शनिवार को उपचुनाव की मतगणना है, यानी कि शनिवार को नतीजे घोषित होंगे। बीज निगम कार्यालय परिसर को मतगणना स्थल बनाया गया है, जहां वोटों की गिनती की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और इसके लिए 14 टेबल लगाए गए हैं, यानी कि और इन 14 टेबल पर 21 राउंड के मतों की गणना की जाएगी। मतगणना स्थल पर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा ने मतगणना स्थल पर रिहर्सल का जायजा लिया। तो वहीं चुनाव में सभी पार्टियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच कड़ी टक्कर होने का अनुमान है। बीजेपी से कोमल जंगेल मैदान में है तो कांग्रेस ने यशोदा वर्मा पर भरोसा जताया है। खैरागढ़ में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 3 वर्ष में जो खैरागढ़ का विकास किया, उसमें राजा देवव्रत सिंह जी स्वयं उनको आभार व्यक्त करते थे, विज्ञापन देते थे। और चूंकि खैरागढ़ की बहुप्रतीक्षित मांग थी जिला बनाने की, उसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिला बनाने की घोषणा पत्र में की थी, इसका भी अच्छा प्रतिसाद आम जनता को देखने को मिला है। और कांग्रेस निश्चित रूप से अच्छे भारी मतों से चुनाव जीतेगी। बाबा की कृपा से सब अच्छा होगा, शानदार रिजल्ट आएगा, लोगों ने मेहनत खूब की। तो दोनों ही पार्टियों ने पूरी तरह से अपनी जीत के दावे यहां पर किए हैं। कल खैरागढ़ के उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे। मतगणना के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, 14 टेबल लगाए गए हैं, 21 राउंड में यहां पर काउंटिंग होगी। और इस वक्त खैरागढ़ में मौजूद हैं हमारे संवाददाता आनंद नारायण ओझा, उनके पास चलते हैं। आनंद, कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण क्योंकि वोटों की गिनती का काम होगा, 12 तारीख को मतगणना वोटिंग हुई थी और उसके पहले लगातार तमाम पार्टियों ने पूरी तरह से जोर यहां पर लगाया, लेकिन जो आखिरी में देखने को मिला कि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है। हालांकि JCCJ के उम्मीदवार भी मैदान में है, लेकिन उसके बावजूद कल निर्णय का दिन है, क्या तैयारियां प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की ओर से हितेश जी अगर बात की जाए तो SP संतोष सिंह ने और कलेक्टर तरुण प्रकाश सिन्हा ने आज कम से कम 2 बार यहाँ रिहर्सल किया कि अगर भीड़ आएगी खैरागढ़ से उपचुनाव को लेकर सेमीफाइनल, जिस प्रकार से सरकार मान रही है कांग्रेस सरकार और बीजेपी ने भी पूरा कोई कोर का सर्विस नहीं छोड़ी है, तो अगर भीड़ आएगी उनके साथ में उनके जो लोग आएंगे उनको डाइवर्ट कैसे करना है और समझाइश देके भीड़ को अंदर कम से कम भेजा जाए, या जो उनके बूथ स्तर पे जो कार्यकर्ता थे जिनकी पर्ची बनी है वही जाकर सिर्फ अपना राउंड टेबल को जो गिनती आएगी हर घंटे इसका रिजल्ट आएगा उसको देख सके, बाहर जाके अलाउंस की व्यवस्था की गई है ताकि अलाउंस के माध्यम से लोग सुन सके। लेकिन हर कोई अगर वहां पर बीज निगम का जो कार्यालय बनाया गया है जहां पर मतगणना होगी वहां पर पहुंचेगा तो उसके लिए अव्यवस्था हो सकती है, तो इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन ने पूरी कोर का तैयार कर ली है। 3 जिले की फोर्स आएगी, बालोद, दुर्ग और राजनांदगांव की फोर्स रहेगी ताकि लोगों को रोका जा सके, तो उसके लिए 7 स्तर बैरिकेटिंग किए गए हैं, एक जगह दूर बैरिकेटिंग किए गए हैं, उसके पास और जो मुख्य जहां पर मतगणना हो रहा है वहां पर ऐसे सीमित लोगों को कर दिया जाएगा डाइवर्ट करके ताकि जो लोग हैं वहां पर पहुंच तो सके। 3 लेयर की सुरक्षा यहां पर रहेगी आनंद, जैसा कि आप बता रहे हैं, और 14 टेबल लगाए गए हैं, 21 राउंड तक काउंटिंग होगी। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ माना जा रहा है, एक औसत समय कि कब तक नतीजे पूरी तरह से साफ हो पाएंगे? देखिए 8 बजे मतगणना शुरू होने की बात कह रही है, शुरू में डाक मतपत्र खोले जाएंगे, जो सालेवारा क्षेत्र है उस तरफ से ये कहा जा रहा है कि डाक मतपत्र खोले जाएंगे, लेकिन कल सुबह क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। अगर बात की जाए रिजल्ट और परिणाम रुझान आने की तो 11 बजे से रुझान मिलना शुरू हो जाएंगे, शुरुआत में 9 बजे ही मिलना है, लेकिन ये साफ होने लगेगा कि 11-12 बजे के आसपास की जीत कौन रहा है, हार कौन रहा है, किसका पलड़ा भारी है ये हो जाएगा। 3 बजे पूरा फाइनल रिजल्ट देने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने कही है। जी आनंद, नजर बना के रखिए क्योंकि कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है और चुनाव की जब तैयारियां चल रही थी, वोटिंग की तैयारियां थी, तब भी लगातार आप मौके पर मौजूद थे और कल का दिन भी महत्वपूर्ण चूंकि दावे दोनों ही तरफ से जीत के हो रहे हैं। और अब कल जनता ने किसके पक्ष में फैसला सुनाया ये तब तय होगा जब EVM एक एक कर खिलना शुरू होंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।